हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, यानी जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसका इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्रेशन दिया है, अब इसका हम इवेल्युएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इवेल्युएशन निकालते समय हमको अगेन तीन कॉलम की जरूरत है। फर्स्ट कॉलम हम लोगों को चाहिए इनपुट कैरेक्टर। सेकेंड हम लोग लेंगे स्टैक और लास्ट में हम लोगों को चाहिए रिजल्ट। लास्ट कॉलम हमको चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इनपुट कैरेक्टर, स्टैक एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे फाइव। फर्स्ट नंबर है हम लोगों के पास फाइव। अब मैं नंबर ना बोलते हुए यहाँ पे नंबरिंग को ऑपरेंड कह लेती हूँ। यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, ऑपरेंड। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है फाइव। तो जब इनपुट कैरेक्टर में ऑपरेंड आएंगे तो हमारे स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन। यानी यहाँ पे आएगा आपका पुश और यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइव, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फाइव। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑपरेंड हम लोगों के पास है सिक्स। अगेन स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,6। नेक्स्ट ऑपरेंड हम लोगों के पास है टू, यानी यहाँ पे आ जाएगा पुश ऑपरेशन और पुश यहाँ पे आ जाएगा आपका टू और रिजल्ट में आ जाएंगे नंबर्स 5, 6 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर प्लस। हम लोगों के पास अभी ऑपरेटर आया है प्लस। जब भी इनपुट कैरेक्टर में ऑपरेटर आ जाएगा तो स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होगा पॉप। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है? पॉप। यानी पॉप ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो रिजल्ट में से दो नंबर हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पॉप टू एलिमेंट्स। मैंने क्या लिखा? पॉप टू एलिमेंट्स, दैट इज। तो रिजल्ट कॉलम में जो नंबरिंग है उसमें से जो लास्ट टू नंबर्स है उसको हम लोगों को एक्सेस करना है। यानी यहाँ पे आएगा आपका 6 एंड 2। सो रिजल्ट इक्वल टू 6 प्लस ऑपरेशन। तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 और उसको हमको पुश करना है, पुश 8। तो यहाँ पे आएगा 5,8, क्योंकि 6 और 2 जो ऑपरेंड या नंबरिंग थे तो उसके साथ हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया था, तो उसका रिजल्ट हम लोगों के पास आया था 8। तो इसलिए 5 एज इट इज और 6 प्लस 2 का जो रिजल्ट है वो आ गया आपके पास 8। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास इनटू। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इनटू। जब भी हम लोगों के पास ऑपरेटर आएगा तो हम लोगों के स्टैक ऑपरेशन में या स्टैक कॉलम में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा पॉप। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉप टू एलिमेंट्स, दैट इज लास्ट टू एलिमेंट्स, रिजल्ट के लास्ट टू एलिमेंट्स यानी 5 एंड 8। सो रिजल्ट इक्वल टू 5 इंटू 8 इक्वल टू आएगा आपका 40। तो यहाँ पे ऑपरेशन अभी आएगा पुश 40, तो रिजल्ट कॉलम में वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 40। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास 12। अभी आ गया आपके पास ऑपरेंड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, यहाँ पे मैंने लिखा है 12। तो ऑपरेंड आया है इसलिए ऑपरेशन परफॉर्म होगा पुश 12, तो रिजल्ट में आ जाएगी वैल्यू 40,12। रिजल्ट में आएगा 40,12। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास ऑपरेंड है 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अगेन ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है पुश ऑपरेशन, यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट में आ जाएगा 40,12,4। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास ऑपरेटर है डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर आया है, करके ऑपरेशन परफॉर्म होगा पॉप। पॉप टू एलिमेंट्स, दैट इज लास्ट वाले टू एलिमेंट्स यानी 12 एंड 4। सो रिजल्ट इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिखूंगी मैं पुश 3, तो यहाँ पे आएगा 40,3। क्या आ गया? 40,3।
अभी हम लोगों के पास लास्ट ऑपरेटर है माइनस, तो लास्ट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर है, अगेन ऑपरेशन परफॉर्म होगा पॉप, पॉप टू एलिमेंट्स दैट इज, दो एलिमेंट मेरे पास है 40 and 3, सो रिजल्ट इक्वल टू 40 ऑपरेशन परफॉर्म होगा माइनस 3 इक्वल टू 37, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी पुश 37, तो 37 हम लोगों के पास आ जाएगा रिजल्ट में 37। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन था उसका आंसर आ जाएगा हमारा 37, यानी ये हो गया आपका इवैल्यूएशन।